हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है वो क्लास इलेवेंथ के स्टूडेंट्स के लिए है। अपनी पिछली वीडियो में मैंने कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो थे आपके साथ शेयर किए थे, तो आज की वीडियो में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आप इन क्वेश्चन को जो है वो लर्न कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली जो है वो बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये क्वेश्चन जो है वो मैंने हॉर्नबिल बुक से लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर वन से। तो लेसन नंबर वन से जो पहला क्वेश्चन आप लर्न करेंगे वो है, मेंशन थ्री रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मेंशन द ऑड वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड। क्वेश्चन नंबर थ्री है, मेंशन द वेज इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड। उसके बाद बात करते हैं लेसन नंबर टू की। तो लेसन नंबर टू से दो क्वेश्चन ही जो मैंने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगिन। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप। बात करते हैं लेसन नंबर थ्री की। लेसन नंबर थ्री से भी दो क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाई हैज किंग टट्स बॉडी बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। एंड सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाई वाज किंग टट्स बॉडी वरीड विद गिल्डेड ट्रेजर। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर फोर की। तो चैप्टर नंबर फोर, जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो इसमें क्वेश्चन नंबर वन है, डिफाइन आउटसाइडर आर्ट और आर्ट ब्रट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री इज, हु वाज नेक चंद। एंड क्वेश्चन नंबर फोर इज, व्हाट आर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ अ चाइनीज लैंडस्केप। नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर फाइव की और। तो चैप्टर नंबर फाइव से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज द नोटिस वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल पुट अप इन द जू। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, व्हाट आर अर्थ्स प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ कैन द एलिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ बी इम्प्रूव्ड। एंड क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल एट अ केज इन द जू एट लुसाका जाम्बिया सिग्निफाई। तो जैसा कि आपको पता है कि एक मार्क्स का ये जो है वो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। पांच क्वेश्चन आपको आएंगे और पांच ही आपसे एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे। तो एक लाइन में आपने इनका आंसर जो है वो करना है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन जो है वो सेलेक्ट किए हैं। लेसन नंबर सिक्स है, क्वेश्चन नंबर वन, व्हाई डिड क्रोकर हैरिस गिव एक्स्ट्रा वर्क टू टैप्लो। एंड क्वेश्चन नंबर टू इज, कमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय टैप्लो टुवर्ड्स क्रोकर हैरिस। इस क्वेश्चन को मैंने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी ऐड किया है, तो ये दोनों टाइप से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं लेसन नंबर सेवन की। लेसन नंबर सेवन से एक ही क्वेश्चन मैंने लिया है, बाय विच ट्रेन वॉज गंगाधर पंत ट्रेवलिंग एंड हु मेट हिम इन द ट्रेन। बात करते हैं चैप्टर नंबर एट की, जो कि लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर से जो है वो आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाई हैज द आर्टिकल बीन टाइटल्ड सिल्क रोड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई वर तिब्बतन मैस्टिफ्स पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द ऑथर्स जर्नी टू माउंट कैलाश। क्वेश्चन नंबर फोर, हु वाज लामो व्हाट गिफ्ट शी Did she give to the author? And question number five is, what happened to the author at Darjeeling? तो ये जो question है ये most important questions हैं जो कि मैंने लिए हैं। तो ये आपको जो है वो एक marks का ही question यहाँ पे आएगा, क्योंकि पांच MCQs भी आएंगे। तो इसके साथ में आप जो है वो lessons की summary जो है उसको भी ज़रूर देख लें, ताकि आपको MCQ के answer भी आप लोग जो है वो कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, और ये मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उठाए हैं, ताकि जो है वो सभी इनको लर्न कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।